नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो पेशेंट के एक बहुत ही कॉमन सवाल की, विच प्रोटीन इज बेस्ट फॉर विटिलिगो, यानी कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो विटिलिगो पेशेंट के लिए फायदेमंद रहता है। जब प्रोटीन की बात आती है तो जनरली एक हेल्दी पर्सन या एक नॉर्मल पर्सन की हम बात करें तो उसके दिमाग में 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे एग्स हो गए, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया। ये सारी चीज़ें नॉनवेज होती हैं, उन्हें लगता है नॉनवेज डाइट से ही हमें हमारे शरीर के लिए सही मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन जब बात आती है सफ़ेद दाग रोगियों की तो यहाँ पर वो नॉनवेज डाइट तो ले नहीं सकते, लेकिन वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन की मदद से अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे विटिलिगो रिकवरी में, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में मदद करता है, स्किन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है, इवन हेयर्स में भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ऐसे में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो विटिलिगो की रिकवरी देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पर आपको प्रोटीन बहुत रिक्वायर्ड होता है। और इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहते हैं काले चने। काले चने में आपको अमीनो एसिड मिलता है और अमीनो एसिड आपके मेलानिन के पिगमेंट को बढ़ाने में मदद करता है, यानी स्किन के कलर को वापस लाने में मदद करता है। वहीं काले चने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है जो जब ब्रेक डाउन होता है या डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड में पाया जाता है। वहीं काले चने में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, तो ऐसे में काले चने आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं। अब आप इन्हें भिगोकर भी खा सकते हैं, यानी रात को भिगोकर रख दिया और सुबह आपने खा लिया, या फिर आप इनको स्प्राउट फॉर्म में भी खा सकते हैं, या फिर आप भुने हुए काले चने भी खा सकते हैं। जो मसाले वाले काले चने आते हैं, कोशिश करें आप उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके शरीर में दिक्कत बन सकती है। इसके बाद जो दूसरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सोर्स है वो जनरली एक इंडियन की थाली में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसको कभी हम इतना सीरियस वे में लेते नहीं है कि इससे हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। वो है दालें। अगर आप दालें डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में जा रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप मूंग दाल और अरहर दाल और आप तूर दाल, ऐसी दालें लें जो इजी टू डाइजेस्ट हैं, इजी टू ऑब्जॉर्ब हैं और इजी टू एक्सक्रीट हैं, यानी शरीर में ये गंदगी भी नहीं छोड़ती और जो मिनरल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन वगैरह, वो पूरा फुलफिल कर रही होती है। यहाँ पर आपको कुछ दालों को छोड़ना होता है, जैसे उड़द दाल और चना दाल। ये दोनों दालें आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन बना सकते हैं, गैस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप सफ़ेद दाग को फेस कर रहे हैं तो मेरी यही सलाह रहती है कि आप ऐसी दालों से बचें जो आपके पेट में कोई भी दिक्कत बनाए, क्योंकि पेट से ही बीमारी शुरू होती है, कोई भी बीमारी हो। तो यहाँ पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। वहीं अगली चीज़ जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटीन के लिए, वो है नट एंड सीड्स। आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। बादाम तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स रहते हैं और वो एक्चुअल में रहते हैं। तो डेली बेसिस पर आप 3-4 बादाम को कंज्यूम कर सकते हैं। आप भिगोकर रख सकते हैं गर्मियों के मौसम में, और सर्दियों में अगर आपको शरीर में ज़्यादा गर्मी नहीं बनती है तो आप नॉर्मल भी खा सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म में भी खा सकते हैं। वहीं आप सीड्स में चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स और आपका फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, इनके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन की मात्रा मिलती है, लेकिन जैसे दालें हैं और आपका काला चना है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है, लेकिन इनमें भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिलती है। जैसे आप पालक ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं और फलियाँ ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, इनके अंदर आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। साथ ही साथ आप सोयाबीन ले सकते हैं। अब सोयाबीन आपको जब नहीं लेना है, अगर आप थायराइड को फेस कर रहे हैं या फिर आप किसी हार्मोनल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, तो अगर आप थायराइड या हार्मोनल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही सोयाबीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वरना इससे आपके सफेद दाग और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो ऐसे में सोयाबीन आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अब इसके बाद एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है, जिम जो व्यक्ति कर रहे होते हैं उनके मन में ये रहता है क्या हम वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है आपके शरीर को। अगर आप कोई जिम में बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट लगे कि हाँ शरीर को बहुत ज़्यादा प्रोटीन। अगर आप नॉर्मल जिमिंग कर रहे हैं अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर ही रहें, वे प्रोटीन का ऑप्शन ना देखें। वे प्रोटीन एक बाय प्रोडक्ट है
और जनरली बाय प्रोडक्ट में सिट्रस मिलता है, यानी खट्टे होते हैं वो, और विटिलिगो पेशेंट को खट्टी चीजें खाने के लिए मना करा जाता है क्योंकि इससे उनके सफेद दाग बढ़ सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन कैसे विटिलिगो की रिकवरी में आपकी मदद करता है, साथ ही साथ कौन से प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सफेद दाग से परेशान हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारत होम्योपैथी में मॉडर्न कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक सिस्टम की मदद से आपके विटिलिगो को ठीक किया जा रहा है। यहाँ पर आपकी मेडिसिन आपके रूट कॉज को देखते हुए, आपके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए कस्टमाइज करी जाती है, बनाई जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप सफेद दाग को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद लिंक्स पर जाइए, वहां पर आपको भारत होम्योपैथी के जो रिकवर्ड पेशेंट हैं जिनके सफेद दाग ठीक हो चुके हैं उनकी वीडियोस को देखिए और देखिए वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।